नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं शेष भारत पर हमारा खास शो बात मुक्ता की, जिसमें हम हर वो बात करते हैं जो हमसे और आपसे जुड़ी होती है। तो आज हमारा मुद्दा है ओपन बुक एग्जाम्स का, जो हमारे बच्चों से रिलेटेड है। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि CBSE इस बार इसको लेकर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। बच्चों में इसे लेकर, पेरेंट्स में भी इसे लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, तो आज हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो ओपन बुक एग्जाम्स का मतलब ये है कि पेपर देने वाला छात्र इम्तिहान के दौरान बुक और नोट्स का सहारा ले सकता है। अब जब छात्र किताब देकर ही पेपर देगा, तो ऐसा पेपर देने का फायदा क्या है? ऐसा पेरेंट्स का कहना है, लोगों का मानना है। लेकिन इस पर जानकार मानते हैं कि हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली में छात्र किसी भी सब्जेक्ट का एनालिसिस करने के बजाय नंबर लाने के लिए उसको रट लेते हैं। ओपन बुक एग्जाम्स में प्रश्नों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि छात्र अपने साथ किताब और नोट्स भी लेकर बैठा हो, तो भी उसे प्रश्न का जवाब देने के लिए उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। इस पूरे एग्जाम सिस्टम के फायदे, नुकसान और इसकी फिजिबिलिटी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वीना हिमानी, जो वनस्थली दिल्ली की हेड ऑफ स्कूल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। CBSE बोर्ड इस साल 9वीं से 12वीं तक ओपन बुक एग्जाम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। ओपन एग्जाम्स का मतलब होता है कि जब कोई छात्र एग्जाम देगा, तो वो पेपर में आए सवालों को सुलझाने के लिए किताब और नोट्स का सहारा ले सकेगा। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि किताब से देखकर ही अगर पेपर देना है तो ये पेपर कैसे होगा? छात्र तो आराम से इसमें पास हो जाएंगे और बोर्ड भी यही चाहता है, लेकिन इसमें थोड़ा पेच है। दरअसल अभी जो परीक्षा होती है, उसमें सामान्य तौर पर छात्र चीजों को समझने के बजाय उन्हें रट लेते हैं, जिनसे वो एग्जाम्स में तो पास हो जाते हैं, लेकिन उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते। ओपन बुक एग्जाम में सवालों को उस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि छात्र उसका विश्लेषण कर सके। किसी भी विषय को अगर एनालिटिकल तौर पर पढ़ा जाएगा, तो छात्र को उसके बेसिक्स तो क्लियर होंगे ही, वो उसे समझकर उसका प्रैक्टिकल भी कर सकता है। वैसे भारत में इससे पहले भी ओपन बुक एग्जाम्स कराए जा चुके हैं, लेकिन उसमें अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। हालांकि इस बार उम्मीद की जा रही है कि ये पायलट प्रोजेक्ट कामयाब होगा, तो इसे बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा। वीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपसे ये ओपन बुक एग्जाम के बारे में समझना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका पूरा मतलब समझते ही नहीं है। आम तौर पर लोगों का ये मानना है कि किताब खोलकर एग्जाम देने दिया जाएगा, बस यही लोग समझते हैं। तो एक बार आप इसको प्लीज समझाइए कि दरअसल ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू दैट यू हैव जस्ट गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू मी टू just interact with you and discuss on a very this very important topic. I would like to give my viewpoints and will try that each and every point of mine convinces you. Okay, now look here, whenever the educationists think of acha okay ji, देखिए जब भी एजुकेशनिस्ट जो हैं वो ये सोचते हैं कि किसी भी शिक्षा प्रणाली में किसी भी कॉन्सेप्ट को हमें चेंज लाना है, तो वो कुछ सोच समझकर ही करते हैं जी। वो उसके उस शिक्षा प्रणाली में अगर हमने किसी तरह की कोई एनहैंसमेंट करनी है, तो वो उन कॉन्सेप्ट्स को लाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, जो हम कहते हैं ओपन बुक कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशंस का। अब हमने ये कहना है कि ओपन बुक कॉन्सेप्ट, जब हम पूरे सरफेस पर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब एग्जाम होंगे तो ओपन बुक का सामने होगी, उस पर बच्चे, उस पर क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसको पढ़कर बच्चे उसके बुक के उस जो पैसेज है या उसके आधार पर, उसके बेस पर वो आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, ये सरफेस लेवल पर हमने इसका मतलब समझ लिया है। अब आज आता है सेकंड जो उसका क्वेश्चन है या सेकंड एस्पेक्ट हमारा इसके बारे में, जो हमारी एप्रीहेंशंस हैं, जो हमारी सोच है, जो हमारा इसका आउटपुट हम सोचते हैं, वो ये है कि क्या ओपन बुक जो एग्ज़ाम है वो बच्चों को क्या सिर्फ बुक को देखा
उस पर से क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लिए और बच्चे ने एग्जाम्स में सोच लिया कि हमने पास हो गए या पास हुए या कितने नंबर लिए, इस पर ये फिक्स करेगा। अब ये देखिए, ये आपने कहा कि फिर एग्जाम्स की ज़रूरत क्या है जब किताबें सामने रख दी हैं और उसके बेस पर हमने बच्चों को इवेल्युएट कर लिया है। अब दूसरा, अब मैंने इस चीज़ को ये इसमें नेगेटिव पॉइंट आ गया कि हम क्या फ़ायदा एग्जाम्स का जब उसने किताब में से ही देखना है। मैं एज एजुकेशनिस्ट ओपन बुक का मैं 50-50% ही इसके हक में होंगी। इसलिए 50% इसलिए कि जो ये बुक ओपन बुक का कॉन्सेप्ट है वो कोई, आप ये देखिए कि जब भी हम मैं अपने ही एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ कि जब हम 9th, 10th, 11th, 12th में जब हम कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, जब आजकल हमने जो 12th क्लास है या की हिस्ट्री है या इंग्लिश है उसमें हम एक पैसेज दे देते हैं और उसके बेस पर उस पैसेज को वो लिखा हुआ वह पैसेज ही है, वो ओपन बुक ही है तो है, और उस मैसेज के बेस पर हम क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस स्ट्रेट भी होते हैं और एनालिटिकल भी होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ओपन बुक का कॉन्सेप्ट, जहां अब मैं पॉजिटिव इसकी बात कर रही हूँ कि ओपन बुक है और उसके क्वेश्चंस उसके बेस पर हमने किसी पैसेज के बेस पर हमने उस क्वेश्चन को दे दिया है। अब डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन पेपर बना, जो जिसको हमने जो इवेल्युएट हम बच्चे को करना चाह रहे हैं, हम उस इवेल्युएट हम उसको वेरियस एस्पेक्ट से बच्चे को देखेंगे। कैसे? बच्चे को रीडिंग स्किल, डज द चाइल्ड हैव द स्किल ऑफ रीडिंग माइन्यूटली। दूसरा है वेदर द चाइल्ड हैज द कॉन्सेंट्रेशन ऑन व्हाट ही इज रीडिंग। तीसरा है कि आफ्टर रीडिंग इफ द चाइल्ड analyze if the child's critical thinking, child's problem solving solving skill and the child's analytical skill, and it will be evaluated only if the questions which are being asked they are simple as well as they are just for the child to give to write with a critical, with a problem solving and with an analytical skill. So then it will be beneficial and it will be useful. This is my concept. जी मैम, आपने बोला कि 50-50% आप भी इसके पक्ष में हैं, तो क्यों, आपको क्यों लगता है इसमें क्या चैलेंजेस हैं इसको लागू करने के लिए? यस, इसलिए क्योंकि अभी हम ये जो कॉन्सेप्ट है हम बहुत एक थोड़ा एडवांस्ड ही, मैं कहती हूँ इसको एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट आवर टीचर्स और द पीपल हु आर एग्जामिनिंग दे आर ट्रेन्ड टू दैट लेवल। दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर टू बी ट्रेन्ड दैट हाउ बुक ओपन बुक एग्जामिनेशन इज टू बी कंडक्टेड what are the aspects, what are the things, various things which should be kept in mind while going for the open book evaluation. Bilkul. Have you understood? Or have you, are you convinced with it? Ji, batai. Because we cannot, I must say that any of the new thing, any of the new idea, any of the new concept, any of the new pattern, any of the new strategy, any of the new system which we are evolving, for that we have to be 100% we have ourselves be convinced and we ourselves should be trained for that and prepared for that, and that means the stakeholders. जी, तो अगर हम इसे लागू करते हैं तो सबसे ज्यादा चैलेंज तो टीचर्स के लिए है, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन पेपर्स बनाने के लिए भी आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, तो ज्यादा बड़ा चैलेंज बच्चों से भी ज्यादा बड़ा चैलेंज टीचर्स के लिए है। जी मैम, क्योंकि अब बुक मैडम देखिए, एग्जामिन हम जो भी सिस्टम एजुकेशन सिस्टम ला रहे हैं वो टीचर्स इन्वॉल्व है उसमें,
एजुकेशनिस्ट सारे ही इन्वॉल्व हैं उसमें हमारे जो, तो इसलिए दैट्स व्हाई दीज पीपल आर द फर्स्ट टू बी ट्रेन्ड फॉर दैट थिंग दैट हाउ द बुक ओपन बुक एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन इज टू बी कंडक्टेड एंड वट आर द वेरियस चैलेंजेस विच विल बी इन्वॉल्व इन दैट एंड हाउ वी हैव टू कन्विंसिंगली फाइट अवे दोज चैलेंजेस एंड सो दैट द सिस्टम विच वी आर इवॉल्विंग द सोल सो दैट जो सिस्टम हम ला रहे हैं वो सिस्टम जो है वो हमें परफेक्ट सिस्टम को, ऐसा ना हो कि जिस सिस्टम को हम लाएं और वो सिस्टम जो है थोड़े दिन में हमें उसे उसमें लूप होल्स नजर आने लगे और फिर हमें लगे कि नहीं ये तो जो है वो सक्सेसफुल नहीं है. सो मैं ओपन बुक आई एम जस्ट फॉर दैट ओपन बुक. अगर आप देखिए तो अगर हम इसे लागू करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज तो मुझे लगता है कि माइंडसेट चेंज करने का है, क्योंकि अभी हम जिस तरह से पढ़ते चले आ रहे हैं और अब जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे हैं बच्चों को, तो पहले हमें पूरा सिस्टम पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, तभी हम इसे शायद बेहतर तरीके से लागू कर पाएंगे. जी मैम, इसके पहले भी जब ये लागू किया गया था, यूपी बोर्ड ने भी शुरू किया था, तो सबसे खराब रिजल्ट्स उस बार हुए थे. एक तो यह है कि बच्चे निश्चिंत हो जाते हैं कि बिना पढ़ाई किए वो पास हो जाएंगे. दूसरी तरफ यह है जो क्रिएटिविटी जो हम एनालिटिकल एबिलिटीज अपने बच्चों में उम्मीद कर रहे हैं वो शायद हर बच्चे में नहीं होती, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज हो जाता है बच्चों के लिए. बिल्कुल मैम, मैंने यही आपको कहा है कि सबसे पहले तो हमें ट्रेन खुद को करना पड़ेगा कि हम किस तरह से बच्चों को उसके लिए तैयार करें. उन ओपन बुक के लिए हमें ये नहीं कहना कि ओपन बुक का मतलब है आपके सामने किताब रख दी है और आपके पास जो है उस बुक में से आपने देख देख कर लिखना है. तो मैम इट विल बी, ये मेरा ख्याल से शायद बच्चों के जो दिमाग है उसको आप बिल्कुल भी रोक रहे हैं इस तरह से. अगर आप इस तरह ओपन बुक का अगर मतलब ये निकाल रहे हैं कि ओपन बुक है और बच्चे ने उसी में से पेपर करना है, जब तक आप उसकी डेप्थ तक उसको खुद समझते नहीं हैं, जब तक आप उसको आगे नहीं ले जाते हैं और जब तक आप उस कॉन्सेप्ट को अपने बच्चों तक नहीं पहुंचाते हैं, तब तक शायद ये ओपन बुक का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये मेरी राय में है. और बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी कहना है कि इन एग्जाम्स के जरिए हम बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करते हैं, तो अगर इस तरह के ओपन बुक एग्जाम का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है तो क्या उसमें भी फिर आगे चल के भी बच्चों को दिक्कत आएगी? आपका क्या मानना है? मैम मैंने उसी बात को कहा है कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लाते हैं ओपन बुक का, जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि जैसे अब आजकल हमने जो बोर्ड क्लासेस में MCQ है, MCQ का कॉन्सेप्ट ठीक है कि आपने MCQ दे दिए, लेकिन आप अगर देखें और आप अगर कभी सुने या कभी भी किसी को ऑब्जर्व करें तो बच्चों को ये आदत होती है कि चैप्टर है उसके सारे MCQ रटते हैं वो, जबकि कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि उस चैप्टर को बच्चा पूरा पढ़े और फिर हर पेज में से MCQ निकालें और उसके बाद जाकर जो है उसको पूरे चैप्टर के MCQ समझ आ जाएंगे. ओपन बुक का यही मतलब है कि इससे बच्चे को थॉरो रीडिंग आए, उसके बाद एनालिटिकल आए. सबसे पहले तो क्या है, रीडिंग हैबिट बढ़ेगी नो डाउट, और उसके बाद उसकी एनालिटिकल पावर स्किल बढ़ेगी, उसके बाद जो है उसकी क्रिटिकल स्किल बढ़ेगी और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगी. इसकी लॉन्गर रन पे भी ये एक और फायदा है. मैं आपको बताऊं कि लॉन्गर रन पे ये फायदा होता है कि जैसे हम भी हैं, हम हैं या कोई भी प्रोफेशनल्स हैं, वो कभी भी किसी चीज को अगर मान लो किसी चीज के बारे में पता करना है या उसके लिए वी ऑलवेज हैव द रेफरेंशियल डॉक्यूमेंट्स. तो यहाँ पर भी क्या है कि बच्चे को जब इस तरह से आदत पड़ जाएगी रीड करके और उसको जो है एनालिटिकली उसको सॉल्व करने की, एनालिटिकली उसको एक्सप्लेन करने की, तो शायद उसको लॉन्गर रन में फ्यूचर में उसको ये आदत पड़ जाएगी कि हमें सामने से जो रेफरेंशियल डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ने के बाद किस तरह से उसको एनालिसिस करना है. ये मेरा कंसेप्ट. और मेरा आपने बताया कि इस कॉन्सेप्ट को लागू करने के समय एक लंबा प्रोसेस है, बच्चों में भी वो बदलाव होना चाहिए, टीचर्स में भी वो बदलाव होना चाहिए. CBSE कह रही है कि इस साल से वो लागू करने की इसको बात करी, पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कर रही है. आपको क्या लगता है कि इसे शुरू करना चाहिए या उसके पहले उस सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए, बच्चों के पढ़ाई के तरीके में बदलाव लाना चाहिए, उसके बाद इसे लागू करना चाहिए?
नहीं तो अगर अभी शुरू करते हैं तो सडनली काफी चेंज होगा और बच्चे शायद इससे और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। अब मैम ये अब नाउ द नाउ दिस इज नाउ इंडिविजुअलाइज्ड आंसर लाइक अगर ये लागू होता है ओपन बुक तो मेरे सपोज मैं हूँ तो मैं अपने स्कूल में या अपने बच्चों के लिए मैं उसका पढ़ाई का तरीका या मैं उसकी जो है बुक ओपन बुक का जो ओपन बुक एग्जामिनेशन का तरीका ओपन बुक इवेल्युएशन का तरीका ओपन बुक आंसरिंग का तरीका शायद मैं फिर उसकी तरह ही अपने आप को इवॉल्व करूं। दैट इज माय इंडिविजुअल इवेल्युएशन फॉर माय ओन इंस्टीट्यूशन एंड माय चिल्ड्रन। सो दिस इज द आंसर दैट आई एम नॉट लाइक वेहिमेंट्री आई डोंट मैं उसके अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ कि ओपन बुक का कंसेप्ट जो एजुकेशनिस्ट लाए हैं वो कोई सोच के लाए हैं कि अब बच्चों का स्ट्रेस खत्म हो बच्चों की जो है बच्चों का जो ये एग्जामिनेशन का स्ट्रेस है वो खत्म हो तो इसीलिए शायद वो ओपन बुक का ये है कि बच्चे को ओपन बुक दिया जाए। बट इसी के साथ साथ जब हमें बच्चों को आगे जब बढ़ाना है तो उसके लिए बच्चों को हम बिल्कुल सामने दिया हुआ उसको पढ़ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं हम उस चीज़ को हो सकता है कि हम हमारे लिए ये इतना बेनिफिशियल ना हो। बिल्कुल तो मेरा ख्याल है मेरे लिए मैम ये कहा जा रहा है कि ये बच्चों के स्ट्रेस को कम करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है लाने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि इस कॉन्सेप्ट के आने से बच्चों का स्ट्रेस कम होगा? और जो सुसाइड की खबरें हम सुनते रहते हैं कोटा जैसी जगहों से भी बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया या आमतौर पर सुनते रहते हैं तो उसमें क्या आपको लगता है कि कमी आएगी? इसमें कमी आएगी ये तो बिल्कुल ठीक है ये तो पॉजिटिव है दिस इज द पॉजिटिव दैट। बट जैसे मैंने कहा है जैसे मैंने आपको बोला कि हर बच्चे में वो क्रिएटिविटी नहीं होती है तो क्या आपको लगता है कि बच्चों का स्ट्रेस और भी तो बढ़ सकता है जब उन्हें जैसे आपने बोला कि उसी आंसर को आपको अपने तरीके से लिखना है एनालिसिस करना है क्रिएटिवली लिखना है तब आपको मार्क्स मिलेंगे तो शायद बहुत सारे बच्चे इसमें केपेबल नहीं हो तो वो एक दिक्कत भी खड़ी हो सकती है। बट मैम फिर ये इसका मतलब तो फिर हम किसी भी हम फिर आगे कॉम्पिटिशन से हम फिर कहाँ पर खड़े होंगे हम अपने आप को कहाँ एनालाइज करें कहाँ हम अपने आप को इवेल्युएट करेंगे? अब आप सोसाइटी में हैं आपने कम्पीट तो करना ही है कहीं ना कहीं। हमने ये ओपन बुक का कॉन्सेप्ट ये है कि स्ट्रेस को कम किया जाए फॉर द मीडियोकर। हम मीडियोकर की बात करें जो आप कह रहे हैं कि जो स्ट्रेस आता है वो मीडियोकर्स में ज्यादा आता है या लोअर जो बिलो मीडियोकर्स होते हैं लेकिन हम ये सोचें कि हम फिर कॉम्पिटिटिव ही नहीं रहेगा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट खत्म हो जाएगी हमारा जो है वो स्टैंडर्ड ही वो उस जगह में नहीं रहेगा। तो ये तो मेरा तो पर्सनल यही व्यू है। चलिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपने पूरी चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया। आई एम श्योर पेरेंट्स को और बच्चों को भी ये बात समझ में आएगी। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं इस चीज़ को लेकर पेरेंट्स के भी दिमाग में बच्चों के भी दिमाग में तो जिस तरह से आपने अच्छे से सरलता से समझाया है तो मुझे लगता है कि उनके कन्फ्यूजन ज़रूर दूर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैंने एक इंडिविजुअल एजुकेशनिस्ट के तौर पर बताया है और शायद मेरी बात शायद समझ लोगों को आए पेरेंट्स को भी आए और थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी एंड जस्ट हैविंग माय व्यूज। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।